यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह पूरी बैठक होगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है, आज शाम 6 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में शामिल होंगे और चुनाव समिति और प्रचार समिति के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई सालों से सत्ता में दूर रही कांग्रेस भी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी सिलसिले में आज शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीईसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी और इसके साथ ही इस बैठक में चुनाव समिति और प्रचार समिति के प्रमुख नेता भी हिस्सा लेंगे। तो इस बैठक में नामों का ऐलान भी हो सकता है, साथ ही नामों को लेकर जिक्र भी हो सकता है क्योंकि नाम लगभग पहले ही तय माने जा रहे थे। कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से काफी टाइम पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मौका और समय मिल सके तैयारी करने का, और उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ऐलान किया है उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज, आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है, सोनिया गांधी के आवास पर होगी, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक के और साथ ही क्या प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए मनदीप, अगर बात की जाए कि आज जो बैठक होनी है वो दिल्ली के अंदर होनी है, उसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता और जो बैठक है वो सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की टिकटों को लेकर जो है इस पे बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश के जो है चुनावी माहौल को लेकर बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश में मैनिफेस्टो को लेकर बात होगी। और ऐसे में माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नवरात्र के बाद आ जाएगी, और ऐसे में पहली लिस्ट माना जा रहा है कि सीधे जो है दीपावली के समय पर जो है पहली लिस्ट कांग्रेस अपनी जो है वो निकालेगी और उसमें लगभग 100 और 70 के बीच के प्रत्याशी होंगे, 100 से 70 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे उनको रखा जाएगा। और ऐसे में सारा खाका तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस बैठक में भी तैयार किया गया है कि किन किन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा, किन किन लोगों की तैयारियां हैं, किन का फीडबैक अच्छा है, ये सारी चीजें जो है देखी जा रही है। और आज उसी पर ही माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग सकती है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। तो ऐसे में सारी तैयारियां और बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से मैनिफेस्टो तैयार किया, सारी चीजें जो है आज इस बैठक में तय की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि माना जा रहा है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जो है पहले ही सप्ताह के अंदर नवंबर के वो दे सकती है और इस पर भी आज अंतिम मोहर लग सकती है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर। रामानुज, एक लिस्ट को लेकर तो जो नाम थे उनको लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि लगभग तय हो चुके हैं, उसके बाद में जो प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देगी, तो क्या इसके बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है क्योंकि लगभग जिनके नाम पहले तय माने जा रहे थे अगर उनके नाम काट कर महिलाओं को टिकट दिया जाता है तो फिर पार्टी के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो जाती है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए अमनदीप, ये समझना होगा कि जो 100 नाम आएंगे या 70 नाम आएंगे वो ऐसे नाम होंगे जो पहले से ही प्रस्तावित होंगे, इसमें पहले वो लिस्ट आ सकती थी लेकिन कई लोगों ने जब कांग्रेस छोड़ी है जिनके नाम सम्मिलित थे उसको लेकर जो है फिर चर्चा दोबारा करनी पड़ी है कांग्रेस को की बात की जाए और ऐसे नाम छोड़कर जो है अलग हुए कहीं ना कहीं चमके जगह वहां मजबूत कैंडिडेट होगा। ये सारी चर्चाओं में जो लिस्ट 40% की बात करी, अगर पहली लिस्ट 100 की आती है तो उसके बावजूद भी 303 ऐसी सीटें होंगी जो बाकी रह जाएंगी, उसमें जा रहा है कि समाहित करें और कई महिलाओं के नाम इस पहली लिस्ट के अंदर सकते हैं। तो 40% का आंकड़ा माना इसके अंदर 40% महिलाओं देने की सीढ़ी की बात कही है, वो सेकंड और थर्ड की आशा है, सभी जो जीत सकते हैं जीतने जिसकी संभावना है उनका नाम पहले ही इस लिस्ट में घोषित कर दिया जाएगा ताकि जो क्षेत्र में वो अपनी तैयारी कर। तो रामानुज, कह सकते हैं कि एक मजबूत रणनीति के साथ आगे रही है, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर।
डाउनलोड अपना